नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में अलग भील प्रदेश बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। राज्य के बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम में सांसद राजकुमार रोत ने जोर शोर से ये मांग उठाई। हालांकि उनकी इस मांग को राज्य की भजनलाल सरकार ने खारिज कर दिया है। राज्य के जनजाति मामले में मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि जाति के आधार पर अलग से प्रदेश बनाना ठीक नहीं है। ऐसा हुआ तो विभिन्न जातियों के लोग अपने अपने लिए अलग राज्य की मांग करने लगेंगे। राज्य सरकार के इनकार के बाद राजकुमार रोत ने कहा कि एक प्रतिनिधि मंडल भील समुदाय के लिए अलग राज्य के प्रस्ताव के साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगा। भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि भील प्रदेश के गठन की मांग लंबे समय से लंबित है। उनकी पार्टी इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठा रही है। उन्होंने कहा कि भील प्रदेश की मांग नई नहीं है। सांसद ने कहा कि प्रतिमंडल प्रस्ताव के साथ ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेगा। कहा कि वे मुद्दे को लेकर लोकसभा में भी उठाएंगे। इस मांग को उठाने के लिए आसपुर से बीएपी विधायक उमेश मीणा और दरियावत से पार्टी विधायक थावरचंद डामोर भील राज्य की मांग वाली टी शर्ट पहनकर विधानसभा भी पहुंचे थे। सांसद रोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 1913 में मानगढ़ पर 1500 से अधिक आदिवासियों का बलिदान सिर्फ भक्ति आंदोलन के लिए नहीं था, बल्कि भील प्रांत की मांग के लिए था। आदिवासी समुदाय राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के 49 जिलों को मिलाकर भील प्रदेश बनाने की मांग कर रहा है। इससे पहले मानगढ़ धाम में आयोजित रैली में आदिवासी महिला मेनका डामोर ने कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है और उन्होंने आदिवासी महिलाओं से मंगलसूत्र न पहनने और सिंदूर न लगाने को कहा है। उन्होंने ये कहा कि आदिवासी और हिंदू समुदाय की संस्कृति अलग अलग है। उन्होंने कहा कि मैं न तो मंगलसूत्र पहनती हूँ और न ही सिंदूर लगाती हूँ और न ही मैं कोई व्रत रखती हूँ। ऐसा कहना है आदिवासी महिला का। इन सब पर आपका क्या कुछ विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहें द फैक्ट इंडिया। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।